हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिकेय है और आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रहस्य दुनिया। तो आज की वीडियो एक ऐसी लेक के ऊपर होने वाली है जो कि इतनी मिस्टीरियस है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब भी है। तो वो आप जब उसके बारे में सुनोगे ना, मतलब इतने चौंक जाओगे कि बस क्या कहने। उस लेक का नाम है लोनार लेक। ये लोनार लेक महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में है। ये इस लोनार लेक को लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। तो ये लेक अर्थ के साथ एक एस्टेरॉयड कोलिजन के वजह से बनी थी। अब ये कोलिजन हुआ था बहुत मिलियन साल पहले, लगभग 52,000 ईयर्स पहले। अब बात आती है इसके डायमीटर और डेप्थ की बात। तो इसका डायमीटर तो लगभग 1.2 किलोमीटर्स है, यानी कि वो बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड रहा होगा जो भी अर्थ से कोलाइड किया था। इस लेक की गहराई यानी डेप्थ लगभग 450 फीट है। इस लेक के मिस्ट्रीज को बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लेक के पास जाना टूरिस्ट प्लेस नहीं है, मतलब कि ये लेक बिल्कुल भी टूरिस्ट प्लेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ VIPs या फिर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट टीम ही जा सकती है। अब ये लेक, अब जो मैंने आपको पहले बताया वो सब तो था इस लेक की फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं इसकी मिस्ट्रीज के बारे में। तो इस लेक की मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। और अब मैं बात करता हूँ इसकी पहली मिस्ट्री के बारे में। तो इसकी पहली मिस्ट्री ये है कि अगर आप बाकी सब झीलों के पानी में कुछ हल्दी डालते हो तो उसका कलर हल्का येलोइश हो जाता है, पर अगर आप इस झील के पानी में हल्दी डालोगे तो इस झील का कलर पिंक या फिर रेडिश या पिंकिश शेड का हो जाएगा। हल्दी, ये देखो, ये टर्मरिक है। तो इस टर्मरिक को क्या करूंगा मैं, जो मीठा पानी है उसमें मैं डालने वाला हूँ। पूरी देखो, डाल दिया तो ये पूरा पानी येलो हो गया। मैं इसे भर के लाया हूँ, उसमें अपन हल्दी डालेंगे। डाल दिए। तो दोनों ग्लास अभी अपने पास है। देखो सर, इधर लेक दिख रहा है पीछे लेफ्ट साइड में। तो ये तो थी पहली मिस्ट्री। अब इसकी सेकंड मिस्ट्री की बारे में बात करते हैं। तो इसकी सेकंड मिस्ट्री ये है कि जैसे अगर आपने बाकी झीलों के आसपास की मिट्टी को अपने हाथ पे रखा और ऐसे करके उसके ऊपर कुछ मैग्नेट चलाया, तो वो मैग्नेट तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि मिट्टी में तो कुछ है ही नहीं, मिट्टी तो मैग्नेटिक है ही नहीं। तो अगर इस झील के मिट्टी के आसपास आप कुछ भी ऐसे मैग्नेट टाइप लगाते हो तो ये मिट्टी मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट होती है। तो अब ये मिस्ट्री तो साइंटिस्ट ने सॉल्व कर ली, ये क्यों और कैसे होती है, तो अब मैं बताता हूँ ये क्यों और कैसे होती है। तो इस मिट्टी में, इस झील की मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा आयरन है, बहुत ज़्यादा, जो कि इस मिट्टी के कण के बराबर बटा हुआ है, यानी हर कण में थोड़ी थोड़ी आयरन है। तो इस वजह से अगर आप मैग्नेट इसके ऊपर से लेके जाते हो तो वो आयरन मिट्टी के साथ साथ आ जाता है ऊपर आयरन मैग्नेट के पास। तो अब ये भी साइंटिस्ट कहते हैं कि इस मिट्टी के आसपास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है इस झील के आसपास। तो देखिए, जो यूरेनियम अगर इस मिट्टी के आसपास से मिला तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं अब अपने अगली वीडियो में लोनार लेक के ऊपर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, इंटरनेट या फिर बुक्स से भी। अभी मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूँ। अगर मुझे और किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना के तुरंत देने की कोशिश करूँगा। और हम अगली वीडियो में यूरेनियम के बारे में भी बात करेंगे कि कितना यूरेनियम या फिर क्या होता है यूरेनियम, कितने यूरेनियम में हमारी पूरी अर्थ ब्लास्ट हो सकती है या फिर कितने यूरेनियम से हमें
बहुत ही मतलब फायदा होगा या कितना यूरेनियम हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस कर सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।